ये जो ये क्वार्टर्स हैं इसके पीछे रेल की पटरी है जहाँ से आवाज खज्जल बना हो गया। सुन रही है तू? हम महाराष्ट्र में भाग रहे इधर आना भाग। क्या मस्त पड़ी हुई है। चलो फिर हम चलते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ रिद्धि और आगे हूँ नए ब्लॉग के साथ। तो काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग आ रहा है क्योंकि मैं गांव में थी। उसके बाद गांव से आने के बाद यहाँ पर थोड़ा मतलब जॉब शॉप का था तो टाइम ही नहीं मिल रहा था ब्लॉग बनाने का। तो ये हुआ कि मैंने जॉब छोड़ दी और आज मुझे वहाँ से सैलरी मिली है और मुझे वहीं पर जाना है सैलरी लेने के लिए। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिलहाल अभी जो बड़ी दीदी हैं अंजू दीदी वो गई हैं बड़ी दीदी के घर जलंधर, और जो मुझसे बड़े हैं तरना दीदी वो हॉस्टल में चले गए हैं। तो इस टाइम घर ना पूरा खाली हो रखा हुआ है। तो चलो देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। तो पापा तो चले गए हैं ड्यूटी, तो आगे देखते हैं। आज क्या है कि कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, गर्मी आज भी है बट थोड़ा मौसम सही है, हवा चल रही है। कल बिल्कुल हवा भी नहीं चल रही थी। तो देख रहे हो आप, नीचे चलते हैं देखते हैं क्या कर रहे हैं सारे। गर्मियों के टाइम पे देखो गली तो पूरी खाली हो रखी है ऐसे। मम्मी ने तो दरवाज़ा ही बंद रखा है और ये देखो कहाँ रखा हुआ है। हूँ और अपनी फ्रेंड को भी कॉल कर दिया, वो भी रेडी होगी तो मैं चलती हूँ उसके घर। और यहाँ पे मम्मी मेरी लगी हुई है, थोड़ी सही आई यहाँ पे बैठ के ये साग काट रही हैं। और जब मैंने वीडियो दिखाई तो सर पे पल्लू रख रही है जैसे इनके ससुराल वाले यहाँ बैठे हो। तो मैं जा रही हूँ। हाल फिलहाल मैं निकल चुकी हूँ और मम्मी ने मेरी बोला है कि जल्दी आना, खाना बनाना है। और इसको देखो यहाँ पे, यहीं पे बड़ी रहती है। गर्मी बहुत है ना, क्या मस्त पड़ी हुई है। चलो फिर हम चलते हैं। गर्मी इतनी हो रखी है ना, कोई भी नहीं दिख रहा बाहर और गर्म गर्म हवा चल रही है। तो चलो फ्रेंड के घर पर ही मिलती हूँ। मैं इसके घर गई थी और ये कहीं और चली गई थी, और मैं इसके घर पहुंच के जब इसको फ़ोन किया तो ये फ़ोन करके मुझे बोल रही है तू अभी क्यों आई, फिर वहाँ से वापस दौड़ते हुए आई है और अभी ये मुझे यहाँ रास्ते में मिली है। तो अभी हम जा रहे हैं बैंक, उसके बाद आगे मिलेंगे। चलती रहेगी तो आगे चल के फिर देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। यहीं पर पली बड़ी हुई इसी सड़क पर है ना, बड़े होके आई हूँ मैं सड़क पर। वो देखो सामने बच्चे क्या मस्त खेल रहे हैं, खेल रहे हैं मतलब खेल रहे हैं। वही वाली बात है कि जैसे वो वाले ब्लॉग में थोड़ी कर रहा ही वो। अरे जहाँ हमें पता भी नहीं है वो कहाँ है। अब अभी चक्कर लगाएंगे इधर से उधर ढूंढेंगे फिर उसके बाद जाएंगे। देख तो नीचे चप्पल, मैडम बोल रही है कि मैं ऐसे जल्दी में निकली हूँ कि मेरी हालत देखो, और मुझसे पहले निकल चुकी थी फिर भी हद धोती है। चलती रहेगी तो आगे चल के फिर देखते हैं कहाँ जा रहे हैं कि बैंक कहाँ है। तो हम जा रहे हैं वहाँ पे, एक सब्जी वाले भैया से पूछा था हमने। ब्लॉगर को इसको नहीं पता था कि तो मैं मेरे को क्या पता एक ही एरिया में दो है बट हाँ, तो मुझे ऐसा लगा था कि दो है क्योंकि पापा बोल रहे थे वहाँ पे हैं और ये बोल रही थी कि वहाँ पे है, तो मैंने कहा चलो देख लेंगे पूछ के इधर उधर। तो अच्छा पे पापा का नाम लगा रही है, चल ऐसी होती है। तो पूछने में पता तो लग गया ना, पूछ तो लिया हमने। चलो फिर भी बैंक में ही जाके मिलेंगे। खज्जल बना हो गया। सुन रही है, हम महाराष्ट्र बैंक गए थे और नहीं, हम पंजाब नेशनल बैंक गए थे, हमें चेक उन्होंने पंजाब नेशनल का दिया था। तो अभी हम जा रहे हैं महाराष्ट्र बैंक में, उन्होंने कहा वहाँ से स्लिप, हमने ना पहले कभी चेक से कैश नहीं मतलब विड्रॉ किया तो हमें पता नहीं है। तो अभी खज्जल बना हो गया, हम त्रिकुटा नगर की गलियों में ऐसे घूम रहे हैं। और अभी मेरे बेस्ट फ्रेंड का घर दिखा पहले वाला,
तो परवीन, जो परी, हाँ, परी परी का घर दिखा, जहाँ पे पहले हम मतलब आते जाते थे स्कूल टाइम पे, तो हम वहाँ पे गए तो इसने गाना गाया कि जब भी तेरी याद आएगी तेरी गलियों में घूमा करेंगे हम। तो हम महाराष्ट्र बैंक भी पहुँचने वाले हैं, बट यार उन्हें बताना चाहिए था ना, हमें सिर्फ चेक दे दिया, ऐसे हमें थोड़ी पता है। हाँ खज्जल बना। और ये वही गार्डन है, ये वही गार्डन है जहाँ पे हम घूमा करते थे, ग्रीन पार्क सेक्टर 1 त्रिकुटा नगर। आना होगा तो आ जाना। ऐसे खाली खाली है, कुछ नहीं है यहाँ, कुछ मजा नहीं है। बट परवीन, परवीन यहाँ पे अकेले बैठा होता था जब उसका मूड खराब होता था। हाँ बड़ा शांति। तो चलो महाराष्ट्र बैंक पहुँच गया, यहाँ पे आपको शांति। चलेगी गाड़ी आगे ना? हो जा ही नहीं रहा, नहीं रहा वो पौड़ी पार से। निशांत देख ले बैठी है, जल्दी जा। नाम लेके ही भाग गया। मेरी मम्मी आके नीचे बैठी हुई है दीदी के साथ। घर हमारा खाली पड़ा इसलिए यहाँ पे भरने आ गए। भाग गया शर्मा, उसको दीदी जबरदस्ती बनाना शेक पिला रहे हैं फिर भी भाग रहे हैं। वीडियो देख के भाग गया वो। ये परना के घर पे पहुंची तो उसको जाना था कहीं और, तो वो वहीं से मतलब हम बैंक हुए, बैंक से वहाँ से मैं घर को आ गई और वो वहीं से चली गई। उसने अपनी दीदी को कॉल किया था, उसके बाद मैं यहाँ पे आई नीचे और मेरी मम्मी घर पे ताला लगा के नीचे पड़ोस वाली दीदी के घर पे बैठी हुई थी, तो दीदी ने मुझे यहीं पे बुला लिया कि इधर ही पे आ जा क्योंकि निशांत को भेजती हूँ बनाना शेक बनाएंगे, बनाना शेक पीना। तो फिर अभी मैं बनाना शेक पी के आ रही हूँ और मैंने निशांत की वीडियो बनाई। निशांत अपने घर से कमरे से नहीं निकल रहा, अंदर कमरे में घुस गया, उसको इतनी शर्म आ रही थी। तो अभी तो मैं घर पे आ गई हूँ और अभी है लंच टाइम, तो लंच बनाना है। पापा भी ड्यूटी गए हैं, ड्यूटी से आने वाले होंगे लंच के लिए, वैसे भी 12 बजने अभी नहीं आएंगे। तो मैं जब तक लंच वंच बनाती हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना। और क्या करोगे बाकी सब तो आपको पता ही है, सारे बोलते हैं वही चीज़ें करनी है। और हाँ मेरे इंस्टाग्राम की आईडी ऑफिशियल रिद्धि राजपूत, जाके फॉलो कर लो। और रहे हैं शाम के 5 और रेलवे क्वार्टर्स में जैसे कि पानी आ चुका है 5 बजे का और मैंने पानी भर लिया है। तो नीचे बैठे हुए थे, पापा के फ्रेंड आए थे नेपाली अंकल जो हैं, वो हमारे पहले पड़ोसी थे तो वो आए हुए थे अभी इतनी देर तक, वो बैठे हुए थे पापा के साथ बातें बातें कर रहे थे। तो फिर वो चले गए और मैं अभी यहाँ पे आई छत पर, तो थोड़ी धूप कम हुई है। ये जो ये क्वार्टर्स हैं इसके पीछे रेल की पटरी है जहाँ से आवाज़ आ रही है, वो सामने यहाँ पर दिखती है ट्रेन कभी कभी, तो उसी की आवाज़ आ रही है। अभी यहाँ से कोई ट्रेन निकली है और हवा देखो चल रही है। वो ट्रेन निकल रही है जो मैं बोल रही थी। कल रात को क्या हुआ था, आज दूसरा दिन है सुबह, तो कल रात को ना बहुत तेज़ बारिश आई थी और मतलब बहुत तेज़ तूफान चल रहा था और मतलब इतनी मोटी मोटी और ओले भी पड़े थे कल रात को। तो अचानक ही मैं व्लॉग शूट कर रही थी बट व्लॉग बनाते बनाते ऐसा हो गया और लाइट चली गई, फिर मैं नहीं बना पाई। तो कल का व्लॉग जो एंड है मैं वो आज कर रही हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी आगे अमेजिंग अमेजिंग वीडियोज़ मिलती रहेंगी और कुछ सरप्राइजेज़ भी हैं जो आगे मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को रोज़ देखें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।